हेलो एवरीवन, ये सीएनसी का मतलब पूरा तो क्वेश्चन बता ही चुके हैं। अब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, तो हम एक एक चैप्टर वाइज क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे, ठीक ना। कैसे मतलब हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अलग अलग करवा देंगे, और उसको अपने नोट से आप लोग मतलब खोज के कर लीजिएगा। और कहीं पर कोई दिक्कत होगी कि सर ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ये नहीं करवाए हैं क्या, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी फिर उसके बाद आप हमें संपर्क करेंगे हमसे, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं लिखा हुआ, जैसे कि सीएनसी चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वन और इंट्रोडक्शन। देखिए पहले चैप्टर से जो है लगभग 10 नंबर का आता है, ठीक, जिसमें सबसे पहला सवाल जो आपका बनता है ऑटोमेशन से बनता है, ऑटोमेशन, ठीक। ऑटोमेशन क्या है, ठीक ना, ऑटोमेशन के लाभ और हानि। ऑटोमेशन क्या है और ऑटोमेशन के, फिर उसके बाद दूसरा सवाल बनता है यहाँ पे सीएनसी मशीन क्या है, सीएनसी मशीन के कार्य सिद्धांत को बताइए, सीएनसी मशीन के कार्य सिद्धांत को बताइए। और देखिए सबसे बड़ी बात कि इसमें सीएनसी मशीन जो है उसका अगर पूछेगा कि क्या है, या फिर इसके चरण क्या है, या फिर जो भी चीज़ पूछेगा, तो आप कार्य सिद्धांत को बताएंगे ही बताएंगे। हाँ, हम देखिए दो क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर दिए, सीएनसी मशीन क्या है, सीएनसी मशीन के कार्य सिद्धांत को बताइए, और यहीं पर एक चीज़ और जोड़ेगा, इसके लाभ और हानि को भी बताइए, लाभ और हानि को बताइए। सबसे बड़ी बात देखिए समझ लीजिए, जो इसका सीरियल वाइज होता है, यानी कि जो सीरियल होता है चरण वाला, स्टेप बाय स्टेप जो मतलब वर्क करती है ये, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करती है, इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ठीक। सीएनसी मशीन वाले में कि हाँ ये ऐसे होता है सीएनसी मशीन का कार्य सिद्धांत इस ये बेस है, और इतना सिंपल लिखा है आपके नोट्स में कि आप एक बार पढ़ेंगे तो हमें लगता है समझ में आए। जो लोग क्लास किए होंगे उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग क्लास नहीं किए हैं वो लोग भी जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ठीक, जो लोग हमारे क्लास में नहीं थे चैप्टर वन वाले में, जितना सवाल हम बता रहे हैं आपको वो सारे सवाल, अगर आपको लगे कि ये सवाल मेरा छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो उन सबको आप क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीएनसी से ये सवाल बन जाता है, सीएनसी मशीन के कार्य सिद्धांत को बताइए, लाभ और हानि, मेरिट एंड डीमेरिट। ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन के लाभ हानि पहला सवाल, दूसरा सवाल सीएनसी मशीन क्या है, सीएनसी मशीन के कार्य सिद्धांत को बताइए, लाभ हानि को, तीसरा एनसी मशीन, ठीक। देखिए एक चीज़ और, अगर सीएनसी मशीन की जगह पूछ दे सीएनसी सिस्टम क्या है या एनसी सिस्टम क्या है, ठीक ना, तो आपको लिखना वही चीज़ है, सिस्टम पूछे चाहे मशीन पूछे, क्योंकि पूरा एकदम जो है, देखिए टूल से पहले, यानी टूल पर अगर हम दे देंगे इस प्रोग्राम को, टूल अगर वर्क करना शुरू कर देगा, टूल से पहले पूरी सिस्टम है, और टूल जैसे ही वर्क करना शुरू कर दिया वो हमारे मशीन वाले में आ गया, तो पूरी जो प्रक्रिया होती है वो सीएनसी मशीन कह लें चाहे सिस्टम कह लें वो एक ही बात होती है, ठीक ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे सीएनसी मशीन या फिर सिस्टम दिया हो दोनों को आप एक ही समझेंगे। तीसरा सवाल बनता है एनसी मशीन या एनसी सिस्टम क्या होता है, क्या होता है चरण को समझाते हुए, इसके लाभ हानि उपयोगिता इन सबको बताइए, लाभ हानि उपयोगिता सबको बताना है। ये लाभ हानि जो आप देख रहे हैं इसमें भी जोड़ लीजिए, उपयोगिता को बताइए, ठीक। तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि सिस्टम और मशीन जो हम बताए थे उसमें कोई आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि सर यहाँ पे कोई चीज़ हमारा छूट गया था, मशीन को जगह सिस्टम हम कर लिए थे, कहीं पे लिख दिए थे, तो ये वही है कि अलग है, ऐसा कोई बात नहीं, सब सेम है, ठीक। अगर आप एनसी सिस्टम लिखते हैं तो भी, एनसी मशीन लिखते हैं तो भी, बस वही उसी को आप मशीन पे दे दिए तो हो गया, वो मशीन बन गई। उससे पहले जो सिस्टम प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं वो प्रोग्राम वगैरह बना करके मशीन तक पहुँचाते हैं, वो आपकी मशीन कंट्रोलिंग के अंतर्गत आती है, एनसी मशीनिंग के अंतर्गत आती है, ठीक ना, समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की,
देखिए चौथा क्वेश्चन अगर हम बोलें कि क्या बन सकता है तो समझ ही गए होंगे सब लोग, डीएनसी क्या है, डीएनसी क्या है, इसके लाभ और हानि, इसके लाभ और हानि। ठीक, यहाँ पे नीचे सबसे नीचे जो आप लोग देख रहे हैं एनसी मशीन क्या होता है, ठीक ना, एनसी मशीन क्या होता है और डीएनसी मशीन क्या होता है, ये और ये वाला, ये दोनों आप देख रहे होंगे। तो एनसी मशीन वाले में पाएंगे कि एनसी मशीन जो है आपका नीचे वाला और जो ऊपर वाला डीएनसी वाला है, ठीक ना, इन दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर अभी हम बताएंगे आपको अंतर वाला क्वेश्चन कैसे होता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि एनसी जो है सबसे मतलब सबसे पहले शुरुआत की गई और डीएनसी जो है एकदम लेटेस्ट अभी जो मतलब नया मॉडल आया है, कह सकते हैं कि जो ऑटोमेशन का नया मॉडल आया है वो डीएनसी है, ठीक। और जो पुराना मॉडल है जो मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है जिसका उपयोग आजकल नहीं हो रहा है वो आपका डीएनसी है, ठीक ना। अब इसके भी लाभ हानि लिखेंगे, अब इसी का थोड़ा इसका फुल फॉर्म बताते हुए थोड़ा चल रहे हैं। वीडियो देखिए परेशान ना होइए, आराम से वीडियो आपको मिलेगा एकदम। अब ऐसा नहीं कि देखिए कोर्स ख़त्म हो चुका है, ऐसा करना नहीं है कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाना है, ख़त्म करना है, ये करना है, वो करना है। आराम से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की वीडियो हम आपको रोज़ प्रोवाइड करते जाएंगे जिससे आप रोज़ उसको कवर कर ले जाएं और रोज़ अपने नोट्स को देख करके उतना ही चीज़ें कवर करें, ठीक। ऐसा नहीं कि 13 क्वेश्चन दे दें जिसको लेकर के आप लोग परेशान हो या फिर कोई दिक्कत हो, तो इसमें कोई वो होने की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कोशिश करेंगे आपको दें, उन्हीं 5-6 क्वेश्चन को क्लियर करते हुए और आप लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो ये हो गया, अब हम बात करें एनसी सिस्टम से कि इसका कैसे एग्ज़ाम पूछ सकता है। और ऐसे न्यूमेरिक कंट्रोल क्या है, एकदम पिछली बार ऐसे ही सवाल आया था, समझ जाइए। न्यूमेरिक कंट्रोल बोल के किनारे किनारे दोनों तरफ क्या लगा था, कॉमा लगा था और दोनों कॉमा के आगे लिखा था क्या है, ठीक। या फिर इसी में और लिख देता है ऐसे, संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली। संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली क्या है इसको समझाइए, ठीक। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि सर संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली क्या, चाहे न्यूमेरिक कंट्रोल, हिंदी इंग्लिश कभी कभी अगर ऐसे लिख दे न्यूमेरिक कंट्रोल, ठीक, तो भी आपको समझ जाना है कि हाँ सर इसी की बात हो रही है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है आसानी से जो है आप समझ ले जाएंगे इसको। इसी तरह सीएनसी की बात करें, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल, डीएनसी की बात करें, डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल, ठीक। अब इसका जो हिंदी, देखिए इसकी जो हिंदी होती है, ठीक, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें कंप्यूटर देगा, डायरेक्ट का डायरेक्ट ही लिखता है, सीधा नहीं लिखता, डायरेक्ट ही लिख के देगा आपको। लेकिन एनसी वाला फंसाता है, कैसे फंसाता है, न्यूमेरिक को कभी संख्यात्मक कर देगा, कभी कुछ कर देगा। यहाँ तो आप सी शब्द से कंप्यूटर तो नाम है, हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं, तो जैसे कम सी लिखा रहेगा उसका मतलब कंप्यूटर आप समझेंगे, वहाँ आप तो खट्टे से कर ले जाएंगे। और जहाँ डीएनसी रहेगा वहाँ डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल से आप समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर ये दिक्कत है, ये डी का मतलब डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल, ठीक। तो चैप्टर वन का जो है आपका लेक्चर वन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक ना। अब अगला लेक्चर जो आपको हम बताएंगे, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको ज़्यादा मतलब आराम से कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको समझें। फिर भी हम कहते हैं अगर कहीं किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, तो वो करें। और दूसरी बात, एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपके बाकी जो चीज़ें होंगी, ठीक, सेशनल वगैरह जो शायद ना हो COVID-19 की वजह से, तो ये परफॉर्मेंस जो आपका रहेगा हमें भी पता चलना चाहिए कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। व्यू वगैरह अगर हमको नहीं पता रहेगा कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, हम जान जाएंगे, ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता चलेगा, ठीक। आपका लॉगिन खोल के हम सब पता कर लेंगे कितना वीडियो देखा गया कितना नहीं देखा गया है, ठीक ना। तो सब लोग इसको देखते भी रहें, हो सकता है आपका सेशनल वगैरह इसी पे जाए, ठीक, स्टडी के बेस पे, एक प्रकार का ये आपका अटेंडेंस है, ठीक ना। चलिए ठीक है, 5वें क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए सब लोग घर में रहें, सेफ रहें, ओके, थैंक यू।